मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधायक का चुनाव जीत कर आए थे, यानी कि 50 साल का राजनीतिक अनुभव है। 2012 में बेटे अखिलेश को जब सत्ता सौंपी थी तो मुलायम ने कभी नहीं सोचा होगा कि 5 साल बाद बेटे से ही पार्टी के लिए खींचतान करनी पड़ेगी। बड़े मन से मुख्यमंत्री बनाया था, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है। अब पिता मानता होगा तो देखा जाए। इलेक्ट वैसा बांटा है, उसको ऑन करने के बाद उसमें जो तस्वीर दिखाई देती है वो नेताजी और हमारी तस्वीर दिखाई देती है, और शायद कोई हटाना चाहेगा तो शायद नहीं हटा पाएगा। बाप बेटे के बीच की तकरार अब ब्रेक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। जिस पिता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, आज उसी से ठनी हुई है। जिस बेटे ने साइकिल पर घूमकर पार्टी के लिए जनादेश लिया, आज वही बेटा पिता से साइकिल हथियाने के करीब पहुंच गया है। रामपाल पार्टी तो बर्बाद कर ही रहा, लेकिन अखिलेश का भविष्य खत्म कर रहा। पिता ये कहने को मजबूर हुआ कि बेटा हमसे ही राजनीति कर रहा है। लड़ाई घर के चौखट से निकलकर सड़कों, पार्टी ऑफिस से लेकर अधिवेशन और अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। इस बार तो ऐसा नया साल गुजरा वो हम ही जानते हैं। जिस समाजवादी पार्टी का मतलब ही मुलायम सिंह को माना जाता था, जो पार्टी की बुनियाद रखे जाने से लेकर अब तक सर्वे सर्वा ही रहे, वो आज अचानक बेटे को ही अपने खिलाफ खड़ा देख रहे हैं। कहावत तो ये थी कि जिसका जलवा कायम उसका नाम मुलायम। 50 साल के राजनीतिक जीवन में न जाने कितने विरोधियों को चित करने के बाद मुलायम हारे भी तो कहां, अपने घर में बेटे से। कहीं बेटे के समर्थक पिता का विरोध कर रहे हैं तो कहीं बेटे को पिता का तख्ता पलट करने के लिए विलेन करार दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों की चाहत तो यही है कि पिता पुत्र के बीच का यह तनाव किसी भी तरह खत्म हो और पार्टी और परिवार फिर से एकजुट होकर मजबूती से चुनाव की तैयारी करें। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अब आपको दिखाते हैं कि दोनों पक्ष के सामने विकल्प क्या है। मुलायम गुट और अखिलेश गुट दोनों चुनाव आयोग में जाकर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक चुके हैं, लिहाजा दोनों पक्षों में सुलह की उम्मीद बहुत खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में साइकिल चुनाव चिन्ह जब्त हो सकता है, दोनों गुटों को एक चुनाव चिन्ह मिल सकते हैं, दोनों गुट अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव आयोग अगले 3 दिन में सिंबल पर कोई फैसला ले सकता है।